चलो भाई चले करने पलता है जी। इसको क्या हुआ? बैटरी ओहो शिट बैटरी खत्म हो गया यार। इसको धक्का मारने पड़ेगा। देखेंगे घूमता है आराम से। हमसे नहीं घूमेगा। इसको मैक्सिमम 20 की स्पीड पे लाना पड़ेगा। ओ भाई तेल निकल गया इसको धक्का मार के स्टार्ट करने में, लेकिन स्टार्ट हो गई है। वो चीज़ और यार देखी है, मैंने नोट किया ब्लॉग्स के अंदर अपने, ये जो लगाया हुआ है ना इसकी वजह से यार सामने का व्यू ब्लॉक हो रहा है। राम राम भाई। हिमालयन की ना बैटरी डेड हो गई है रास्ते में, तो वो मैं इसे स्टार्ट करके ला रहा हूँ आपके पास। तो बैटरी पे लगा देना। दुकान पे क्या हो? पहुँच गए हैं भैया की शॉप के ऊपर। ये है अपनी बैटरी, साफ है एकदम, और सुबह अचानक से डेड हो गई। इसको निकलवा लेते हैं फिर से इसको चेंज करा देते हैं। बैटरी ऑन करने पे ये इस तरीके से जो हॉर्न तो बज रहा है, कभी कभी हॉर्न भी नहीं बज रहा। ये गया, ये बैटरी है। ये हमें यहाँ से ये एलएम की वाले बोल्ट खोलने पड़ेंगे। देखो इसके अंदर आ रहा है 11.9, ठीक है। अब इसका ड्रॉप देखना, ये देखो 11.1 हो गया, 11.1 हो गया है। और मैं सेल्फ मारूँगा तो ये गया, तो इसका मतलब है बैटरी कंफर्म है कि डेड है। और इसी में स्टार्ट होने के बाद ना चार्जिंग दिखा रहा है 14 पॉइंट से ऊपर, इसका मतलब तो बैटरी का है, चार्जिंग सही चल रहा है, बैटरी डेड हो गई है। अब जो है ये 10 नंबर का बोल्ट है, इसको खोलेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये 10 नंबर का बोल्ट भी खोलेंगे। ये हमने बोल्ट लगा दिया हैंडल, ये इसका ये खुल गया है। ये वायर निकालनी है दोनों, ठीक है। ये भी 10 नंबर की है, इनको खोल दे सकते हो। ये चार्जर की वायर है, मोबाइल चार्जर की। और ये मैंने इसके नट बोल्ट खोल लिए हैं, ये पॉजिटिव वाला, और इधर से अलग करेंगे ये नेगेटिव वाला। प्लस इसमें ये कनेक्टर दिया हुआ, इसको भी निकाल लेते हैं। देखो ये निकल गया, ये लो बैटरी बाहर आ गई है। ये है एमरन की बैटरी, और आप देख सकते हैं भैया बताएंगे। ये 2020 की बैटरी है, अंदर से कुछ इस तरीके का निकला है। इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं भैया से, कपड़ा लेके पेट्रोल लेके। ये साफ करने के बाद, और ये है जो पहले था, ये वाला भी इस तरीके से था, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और अपना ये बैटरी कंपार्टमेंट भी मैंने साफ़ कर लिया। देखिए कोई 2300-2400 रुपये की बैटरी आएगी, उसमें 100-150 रुपये जो है पुरानी के लेस हो जाएंगे। तो भैया लेने गए हैं, ले आते तो बताएंगे कितने के। नई बैटरी इंस्टॉल करने से पहले ना एक चीज़ का ध्यान रखें, बैटरी कनेक्ट करने से पहले गाड़ी के इग्निशन को चेक कर ले। इग्निशन होना चाहिए ऑफ, सारी आपकी एसेसरीज जो है वो ऑफ होनी चाहिए, सब बंद होना चाहिए। तो भाई अपनी बैटरी आ गई है, ये आ गई है बैटरी। ये ले लो एमरॉन 48 APTZR, सेम मॉडल है। ये देखो इसका फोटिंग आ गई, इसके ऊपर ही 2 साल की वारंटी है। चेंज हो जाएगी गाड़ी? हाँ, गाड़ी नहीं मतलब बैटरी। हाँ, बैटरी खराब हुई थी 2 साल के अंदर। और आज तारीख है 9 मार्च 2024। सही जो लगी थी सभी गाड़ियों में ना 9 उधर की तरफ होता है इंटरनल का, इसमें ना उल्टा है, इस तरीके से क्विट हो गए, अंदर होएगा ये फिट हो गई इस तरीके से। अब ये बैटरी को हम चेक करते हैं। ये देखो ये 12 से ऊपर आ गया है, तो अब ये आ चुका है इसके अंदर करंट। इसको एक बार सेल्फ स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे कि आप देख सकते हैं बैटरी चल गई है, और हमारी बाइक फिर से जो है लाइटें मार रही है। तो इसका जो है काफ़ी दिन से बैटरी का काम रुका हुआ था, और अच्छा हुआ चेंज हो गई हमारे जाने से पहले। अब इसमें देखो 12.1 आ रहा था इग्निशन ऑन करने पर, और अब चार्ज हो रही है बैटरी। इसका चार्ज बढ़ गया है, देखना चार्ज बढ़ गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत दिनों बाद से अब ये वीडियो आ रही है और आती रहेगी, और आपका भाई ऐसे एनर्जेटिक रहेगा और राइड्स पे आपको मिलता रहेगा। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबा लो
क्योंकि हम मिलेंगे हम पहाड़ों में। टिंग टिंग टिंग।